देसी तरीके से गाय रखी जाती है, बिल्कुल जी। और गायें भी देसी है, देसी है, माहौल भी देसी है और खान पान भी देसी है इन गायों का जी। तो उम्मीद करूंगा इस तरीके के माहौल की गायें हर जगह सेट हो जाती है। बिल्कुल जी। दर्शक जो देख रहे हैं वो यहाँ आके विजिट करके भी इन गायों को देख परख सकते हैं, बिल्कुल दूध निकाल के देख लें। बिल्कुल जी, अपना देसी खाना। मेरे पास जयपाल जी तमिलनाडु का ग्राहक गया था, हाँ। पांच गाय लेके गया था, हाँ। वो बोला कि भाई मैं होटल पे खाना खाऊंगा, हाँ। मैं बोला होटल पे मत जाना, पहले हमारा देसी खाना खा के देख, हाँ। और हमारे वो जो टिंडसी है ना, टिंडसी, हाँ हाँ। उसकी सब्जी खिलाई थी, बाजरे की रोटी खिलाई थी, बाजरे की रोटी, बिल्कुल जी। अच्छा, तो उसने बोला भाई साहब ऐसा खाना तो होटल पे ही नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा, जो देसी खाना जयपाल जी, हाँ। बहुत बढ़िया है, ऐसी जगह पे चूरू जैसी जगह पे आओ और देसी खाना नहीं खाओ, हाँ बिल्कुल जी। तो फिर जी होटलों वाला तो ये बहुत सब जगह पे मिल जाएगा, मिल जाएगा होटल। इतराम जी भाई साहब, राम राम जी, राम राम जी, जय गो माता भाई साहब, जय गोपाल जी। आज की वीडियो में कितनी गायें कवर करेंगे जी? आज के वीडियो में जयपाल जी छह गायें हैं, छह गायें हैं, बिल्कुल जी। चूरू में आए हुए हैं जी, हाँ बिल्कुल चूरू में। और सर्दी भरपूर रहती है यहाँ, भरपूर, जरूरत से भी थोड़ी ज्यादा ही रहती है, रहती है जी। क्योंकि ये रेतीले दौरे हैं, बिल्कुल जी, सर्दी के मौसम में ठंडे जल्दी हो जाते हैं, बिल्कुल जी। और ऐसा ही तापमान गर्मियों में रहता है जी, बहुत भयंकर, ठंडा नहीं बल्कि गर्म, गर्म रहता है जी, गर्म से भी गर्म, गर्म से गर्म जी। यही रेतीले दौरे वापस गर्म हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं जी। कंप्लीट डिटेल लेंगे जी आपकी गायों के बारे में, बिल्कुल। मौसम की मार सहन करके भी ये गायें ऐसे वातावरण में रह पाती है, रह पाती है जी, कहीं भी एडजस्ट हो जाएंगी जी, बिल्कुल हो जाएगी जी। जहाँ सर्दी ज्यादा हो वहाँ भी, जहाँ गर्मी ज्यादा हो वहाँ भी, और जहाँ मौसम अनुकूल मिल जाए वहाँ तो इनके कहने ही क्या है, बिल्कुल रंग लगा देती है, लगा देती है जी। देसी गाय होती है ऐसी, बिल्कुल जी। आज के वीडियो में इन्हीं गायों के बारे में डिटेल जानेंगे, बिल्कुल जी। सभी गायों को देखेंगे परखेंगे, बिल्कुल जी। जो दर्शक देख रहे हैं वीडियो उनसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल जी। गाय पसंद आए तो आप खरीद सकते हैं, बिल्कुल जी। पर आपके खरीदने का अभी मन नहीं हो तो आप इन वीडियोस को शेयर जरूर से करें, बिल्कुल जी, बिल्कुल, ताकि देसी गोवंश घर घर तक पहुंचे, बिल्कुल जी। घर घर तक पहुंचेंगी तभी देसी गायों का उद्धार होगा, बिल्कुल, और हमारा भी उद्धार उसी में है, उसी में जी। कंप्लीट डिटेल दीजिएगा, सबसे पहले आपका अपना यहाँ का एड्रेस शेयर कर दो जी। जी एड्रेस हमारा गांव है जयपुर अड़मानगढ़ रोड के ऊपर, बानीपुरा, बानीपुरा, बिल्कुल जी, ठीक है। और जिला है चूरू, हाँ। तहसील है सरदारशहर, सरदारशहर जिला है, बिल्कुल, सरदारशहर तहसील, सरदारशहर तहसील है, जिला चूरू है, जिला चूरू है, बिल्कुल जी, ठीक है। और मोबाइल नंबर क्या है जी आपके? मोबाइल नंबर है जी 96, हाँ, 49, हाँ, 90, हाँ, 20, हाँ, 94, ठीक है जी। गाय शानदार है, बिल्कुल सब शानदार, कंप्लीट डिटेल लेंगे जी, बिल्कुल जी। एक कीमत की रेंज और बता दो जी भाई साहब, आज रेंज जयपाल जी नीचे में है आज 35,000 रुपया, 35,000, बिल्कुल जी, 35,000 रुपीज, और ऊपर में जयपाल जी 75,000 तक की गाय, ऊपर से ऊपर 75,000 रुपए की गाय भी मिल जाएगी आज, बिल्कुल जी, ठीक है जी। और जयपाल जी गाय तो अपने पास अभी 6 गाय है, हाँ, और एक बछड़ी है साथ में साहिवाल, हाँ हाँ, और एक थारपारकर गाय थी वो अभी तक आई नहीं है, अच्छा, वो आज लेट हो गई, हाँ, आई नहीं, जो शुरुआत में अपने वीडियो लगाया था, हाँ, उस बछड़ी की कीमत 1,25,000 वाली, हाँ, इस उसकी माँ ही आ रही है, अच्छा, बिल्कुल जी, उसकी माँ आ रही है, बिल्कुल माँ, तो जो दर्शक देख रहे हैं वो इंतजार करते हैं थार पारकर का, बिल्कुल जी, इस वीडियो में कवर नहीं कर पा रहे हैं फिर भी वो डायरेक्ट आपसे बात कर सकते हैं, बिल्कुल जी, उस थार पारकर गाय के लिए भी फोन पे अगर कोई आपसे डिमांड करे जी उसका फोटो वीडियो भेज देंगे तो आप अवेलेबल करवा दोगे, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, ठीक है जी। कल तो आ जाएगी अपने पास, अच्छा कल तो पहुंच ही जाएगी, पहुंच जाएगी जी, जैसे ये वीडियो पब्लिश होगा तब तक ये गाय पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी जी, ठीक है जी। पूरी जानकारी लेंगे जी आपसे, बिल्कुल, एक एक करके गाय देखेंगे, शुरुआत करेंगे जी ये एक नंबर वाली गाय से, बिल्कुल जी, इसी की कम्प्लीट डिटेल शेयर कर दो जी। ये जयपाल जी दूसरी बार बच्चा दिया है, सेकंड लैक्टेशन में, बिल्कुल जी, अच्छा, और अभी 3 दिन हो गए बच्चा देखो, ब्यावे को 3 दिन हुए, बिल्कुल जी, ठीक है। और पीछे बछड़ा है जी, मेल काफ है, मेल काफ है जी, अच्छा। 3 दिन की बेबी के खीस कितना निकाल रहे हो जी? अभी जयपाल जी 5 लीटर एक टाइम का खीस तैयार है, 5 लीटर एक टाइम वाला, हाँ, खीस रेडी है, बिल्कुल जी रेडी। ये मिल्किंग कोई देखना चाहे तो दिखा दोगे? बिल्कुल दिखा देंगे, दोनों टाइम का 10 लीटर तैयारी है जी, दोनों टाइम का 10 लीटर अभी रेडी है, बिल्कुल जी। कितने दूध तक जा सकती है ये जयपाल जी? 16 लीटर की अपनी गारंटी है इसकी, तो 16 लीटर, बिल्कुल जी, 16 लीटर की आप गारंटी ले रहे हो, बिल्कुल जी, ठीक है जी। और मोल क्या लोगे जी? मोल जयपाल जी इसकी है 45,000 रुपया, 45,000, बिल्कुल जी, 45,000 रुपीज, बिल्कुल जी, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर एक और शानदार गाय है वो भी दिखा देता हूँ, बिल्कुल जी।
तो ये वाली गाय जी दो नंबर पे, बिल्कुल जी, इसकी भी डिटेल शेयर कर दो जी भाई साहब। ये जयपाल जी साहिवाल गाय है। साहिवाल, बिल्कुल जी, बड़ी भारी कदकाठी है। भारी कदकाठी गाय है। हाँ, भारी कदकाठी की गाय है। दर्शक भी इसको देखते ही पहचान गए होंगे, बिल्कुल जी, कि गाय जब भी खरीदने का मूड बनाए तो ऐसी गाय लेने जाए, लेनी चाहिए, बिल्कुल गाय ऐसी लेनी चाहिए, बिल्कुल। घर में पालनी हो तो ऐसी गाय होनी चाहिए, बिल्कुल जी, भारी हो बॉडी में भी, बिल्कुल, और साथ में स्वभाव की भी ऐसी शांत होनी चाहिए, ठंडे स्वभाव की है, ठंडे स्वभाव की लग रही है जी, बिल्कुल जी। क्या डिटेल है जी वैसे इसकी? ये जयपाल जी दूसरी बार बच्चा देगी। हाँ, और इसने पहली बार 13 लीटर दूध दिया है। 13 लीटर पहली बार में, बिल्कुल जी। और इस बार की उम्मीद आपने क्या रखी है? 15 लीटर की तो पक्की पक्की है जयपाल जी। 15 लीटर, बिल्कुल जी। अच्छा, और अभी टाइम उसका 20-25 दिन बाकी है। 20 से 25 दिन अभी बाकी है। बाकी है जी, ठीक है। और इसका मोल क्या रखोगे जी आप? इसका मोल है जयपाल जी 57,000 रुपये। 57,000, बिल्कुल जी, 57,000 रुपीज, बिल्कुल जी। कुछ मोल भाव की गुंजाइश रहेगी जी? 500 किलोमीटर सब गाय में ट्रांसपोर्ट फ्री है अपना। 500 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट फ्री है, बिल्कुल जी, सभी गायों में। सभी गायों में जी, ठीक है जी। तो ये एक सफेद नंबर, सफेद रंग की गाय और है, बिल्कुल जी, तीन नंबर पर जी। इसकी भी डिटेल शेयर कर दो जी। ये जयपाल जी थार पार्कर ही है। थार पार्कर है, बिल्कुल जी। तो थार पार्कर गाय खरीदनी हो तो ऐसी जगह पे आए। हाँ, बिल्कुल जी। और जयपाल जी प्योर थार पार्कर नहीं है। हाँ, प्योर तो नहीं है, लेकिन 80% थार पार्कर है। 80% है, बिल्कुल जी, ठीक है जी। 80% भी अच्छी शुद्धता मानी जाती है जी, बिल्कुल जी। अच्छे सीमन यूज करके तो इनको 100% तक ले जाया जा सकता है, ठीक है। क्या डिटेल है वैसे इसकी? ये जयपाल जी दूसरी बार बता देगी। टाइम कितना लेगी? अभी टाइम इसका 1 महीने लमसम 10 दिन ले लेगी। 40 दिन बाकी है अभी। 40 दिन माने? बिल्कुल 40 दिन, 1 महीने के आसपास ब्याने मिलेगी, बिल्कुल जी। क्या दूध क्षमता की जी है? ये जयपाल जी पहले ब्याह में 10 लीटर दिया है। 10 लीटर पहले ब्याह में, बिल्कुल जी। अभी दूसरी ब्याह में हो सकती है 12 भी दे देगी, 13 भी दे देगी। कदकाठी ऐसी होनी चाहिए गाय में, बहुत बड़ी गाय में कदकाठी ऐसी होनी चाहिए जी। क्या मोल रखोगे जी इसका? इसका है जयपाल जी 55,000 रुपया। 55,000, 55,000 रुपीज, बिल्कुल जी। शानदार कदकाठी की गाय और कीमत भाई साहब ने 55,000 रखी है, बिल्कुल जी, ठीक है जी। एतराम जी भाई साहब ये 4 नंबर वाली गाय की और डिटेल दे दो जी। ये जयपाल जी राठी है। राठी, बिल्कुल जी। और पीछे बछड़ी है इसके साथ, बछड़ी है, फीमेल काफ है, बछड़ी है जी, बछड़ी है इस गाय के साथ, बछड़ी है जी। कितने दिन की बेई हुई है साहब? ये जयपाल जी 15 दिन की तो हो गई। 15 दिन की बेई होगी, बिल्कुल जी। तो इसका तो पूरा दूध तैयार होगा जी? बिल्कुल तैयार हो गया जी। कितने दूध पे है अभी? 16 लीटर है जी, एक टाइम का 8 लीटर है जी। 16 लीटर, 8 लीटर एक टाइम का दूध है अभी, बिल्कुल जी, है जी। कुछ कहते हैं जी इतना दूध निकलता नहीं है, निकाल के देंगे, तो ये निकाल के देंगे, बिल्कुल जी। तो ये जैसे पहले गाय दिखाई थी जी, 5 दिन की ब्याई भी है, 4 दिन की ब्याई भी है, तो उनमें शंका रहती है, बिल्कुल जी। तो वो शंका इस गाय की दूध की मिल्किंग चेक करके दूर कर सकते हैं, शंका कर सकते हैं जी, शंका दूर कर सकते हैं, बिल्कुल जी, ठीक है जी। और मोल क्या रखोगे आप इसका? मोल जयपाल जी इसका है 52,000 रुपया। 52,000, बिल्कुल जी, 52,000 रुपीज, बिल्कुल जी, 52,000 रुपए मोल है। और 16 लीटर दूध तैयारी है जी। 16 लीटर दूध तैयार है, बिल्कुल जी। तो 16 लीटर दूध क्षमता वाली गाय चाहिए तो ये गाय ले सकते हैं, बिल्कुल जी, ले सकते हैं जी, ठीक है जी। शानदार गाय है, कदमे भी अच्छी है, बिल्कुल जी, और नस्ल की राठी है। राठी है जी, ठीक है जी। भाई साहब 4 गायें कवर हो गई है, बिल्कुल जी। पांचवे वाली और देख लेते हैं जी आपकी, बिल्कुल। ये 5वें नंबर पे गिर क्रॉस। हाँ, बिल्कुल जी, गिर क्रॉस, गिर साहिवाल क्रॉस, बिल्कुल जी, गिर साहिवाल। साहिवाल में क्रॉस है जी? हाँ, साहिवाल में जी। हाँ, क्योंकि साहिवाल में क्रॉस रहती है, गिर उन्हीं गायों के सींग जो गोपालक है वो ठपवा देते हैं, बिल्कुल ठपवा देते। गिर के ओरिजिनल प्योर के तो जी लंबे रखते हैं, लंबे रखते हैं जी प्योर के। हाँ, साहिवाल पे अगर गिर का सीमन रखे तो ऐसी गाय आती है, बिल्कुल जी। क्या डिटेल है जी? ये जयपाल जी अभी इसके दूध है 14 लीटर तैयारी है जी। 14 लीटर तैयार है जी। ये गजब की चीज है जी आपकी, बिल्कुल। दूध जो तैयार है वो जी। तो निकाल के देख सकते हैं, ये भ्रम वाली चीज नहीं है, बिल्कुल जी। काफी जगह मैं देखता हूँ जी, लोग कहते हैं 15 लीटर देगी, 14 देगी। नहीं नहीं जयपाल जी, वो अभी तैयार है, वही अगले निकाल के देख सकते हैं ना। हाँ, बिल्कुल जी, ये बढ़िया चीज है, बिल्कुल जी। 14 लीटर रेडी बता रहे हो? बिल्कुल रेडी है जी। कितने दिन की ब्याई हुई सब? ये जयपाल जी हो गई 20 दिन की, तो हो गई 20 दिन की ब्याई भी है, बिल्कुल जी। और 14 लीटर दूध अभी तैयार है, तैयारी है। हाँ, और एकदम ठंडा स्वभाव किया जयपाल जी। स्वभाव तो देख रहे हैं जी, बिल्कुल, ये सामने, बिल्कुल जी। हाँ, बिल्कुल जी, नजदीक आप खड़े हुए हो और जैसे ही आप हाथ फिरा रहे हो पीछे पूंछ देख रहे हैं हम, बिल्कुल जी, उठा रही है, उठा रही है, देख लो। हाँ, स्वभाव की ठंडी होती है तभी ऐसा करती है, बिल्कुल जी, ठीक है जी। और इससे ज्यादा और बढ़ने की उम्मीद है जी दूध? हाँ, उम्मीद तो जयपाल जी लीटर, 1 लीटर तो बढ़ जाएगा, और भी लीटर के आसपास और बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा जी। तो 15 लीटर के आसपास रखें, बिल्कुल रखेंगे जी, ठीक है जी। और मोल क्या लोगे जिसका? मोल जयपाल जी सबसे हाई रेट यही है, सबसे हाई रेट वाली यही है, 75,000 रुपया। 75,000, बिल्कुल जी, 75,000 रुपीज, बिल्कुल जी। अच्छा, इसमें भी कोई गुंजाइश रहेगी? ट्रांसपोर्ट 500 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट 500 किलोमीटर वाला फ्री फ्री है जी, ठीक है जी।
एक गाय और है जी, ये साथ में खड़ी हुई। हाँ साथ में खड़ी है। ये भी ब्याई हुई है? हाँ ब्याई हुई है जयपाल जी। ये कितने टाइम की ब्याई हुई है? ये जयपाल जी होगी 5 दिन की। 5 दिन की ब्याई हुई है। और पहली बार बच्चा दिए? फर्स्ट टाइमर है। और 5 दिन की ब्याई हुई है जी। तो इसका खीस कितना तैयार भाई साहब? अभी जयपाल जी इसकी तो खीस है 3.5 लीटर एक टाइम का, यानी 7 लीटर कैरी है जी। 7 लीटर रेडी है? रेडी है जी। तो 7 लीटर की मिल्किंग दिखा दोगे? दिखा देंगे जी। ठीक है, फर्स्ट टाइमर है। फर्स्ट टाइमर गाय जो है ताजा ब्याई हुई है, फर्स्ट टाइमर है। बच्चा क्या बताया जिसके साथ? बछड़ी है जी। बछड़ी फीमेल का? बिल्कुल जी। ये भी लॉटरी है? लॉटरी है जी। खुद भी बछड़ी और इसके साथ भी बछड़ी? बछड़ी। और बछड़ी इसके पीछे प्योर साहीवाल बछड़ी है। हाँ प्योर साहीवाल बछड़ी। प्योर साहीवाल बछड़ी है। ठीक है जी। और इसका मोल क्या रखोगे आप? इसका मोल है जयपाल जी 30,000 रुपया। 30,000? बिल्कुल जी। 30,000 रुपीज? बिल्कुल जी। बछड़ी खुद भी और साथ में भी बछड़ी और मोल 30,000 जी। और ट्रांसपोर्ट आप फ्री बता रहे थे? 500 किलोमीटर फ्री कर दिया। इसमें भी फ्री रहेगा? इसमें भी फ्री रहेगा। बिल्कुल जी। ठीक है जी भाई साहब, शानदार है गाय और साथ में आपकी कीमत बहुत शानदार लगी। शानदार है जी। तो आज की वीडियो की लास्ट है बछड़ी? बछड़ी है जी। ये कौन सी नस्ल में है जी? ये साहिवाल है, प्योर साहिवाल। बिल्कुल जी। ये उम्र क्या होगी जी भाई साहब इसकी? ये उम्र जयपाल जी अभी 17 महीने की हुई है। 17 महीने उम्र हुई है? 17 महीने उम्र हुई है। साहिवाल नस्ल की बछड़ी है जी। ठीक है जी। और माँ का कुछ रिकॉर्ड है जी इसका? बिल्कुल है जी, रिकॉर्ड है। क्या रिकॉर्ड की है? ये माँ का दूध है 18 लीटर इसकी। 18 लीटर? बिल्कुल जी। 9 लीटर एक टाइम का? टाइम का जी। 9 लीटर एक टाइम के दूध के रिकॉर्ड वाली बछड़ी है? बछड़ी है जी। ठीक है जी। तो ये इसके मोरा नहीं डाला जी? मोरा जयपाल जी इसके नहीं डाला है, ये संकल में थी ऐसी तो। अच्छा खड़ी है? ठीक है जी। नहीं, तो घरों में 99% सांकल ही रखते हैं जी? सांकल रखती है जी। हाँ ये सबसे सुविधाजनक है? बिल्कुल जी, सबसे सुविधाजनक और मजबूत व्यवस्था है। हाँ बिल्कुल जी। ठीक है, मोल क्या रखोगे जी इसका भाई साहब? मोल जयपाल जी अभी 35,000 रुपये। 35,000? बिल्कुल जी। 35,000 रुपीज? बिल्कुल जी। बछड़ी है साहिवाल नस्ल की? साहिवाल नस्ल की, एकदम ठंडे स्वभाव की। देखो हाँ, ये स्वभाव की ठंडी है। हाँ जी, हाथ लगाती है और पैर उठा ले रही है। ठीक है जी भाई साहब। एहतराम जी, भाई साहब आपकी गाय शानदार लगी जी। बिल्कुल। और साथ में बछड़ी भी? बिल्कुल जी, साहिवाल नस्ल वाली। साहिवाल नस्ल वाली जी। व्यूअर्स आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बिल्कुल जी, देसी तरीके से गाय रखी जाती है। बिल्कुल जी। और गाय भी देसी है? देसी है। माहौल भी देसी है और खान पान भी देसी है इन गायों का जी। तो उम्मीद करूंगा इस तरीके के माहौल की गाय हर जगह सेट हो जाती है। बिल्कुल जी। दर्शक जो देख रहे हैं वो यहाँ आके विजिट करके भी इन गायों को देख परख सकते हैं। बिल्कुल, दूध निकाल के देख लें। बिल्कुल जी, अपना देसी खाना। मेरे पास जयपाल जी तमिलनाडु का ग्राहक आया था। हाँ। 5 गाय लेके गया था। हाँ। वो बोला कि भाई मैं होटल पे खाना खाऊंगा। हाँ। मैं बोला होटल पे मत जाना, पहले हमारा देसी खाना खा के देख। हाँ। और हमारे वो जो टिंडसी है ना, टिंडसी। हाँ हाँ। उसकी सब्जी खिलाई थी, बाजरे की रोटी खिलाई थी। बाजरे की रोटी? बिल्कुल जी। अच्छा, तो उसने बोला भाई साहब ऐसा खाना तो होटल पे ही नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा, देसी खाना जयपाल जी। हाँ। बहुत बढ़िया है, ऐसी जगह पे चूरू जैसी जगह पे आओ और देसी खाना नहीं खाओ। हाँ बिल्कुल जी। तो फिर जी होटलों वाला तो ये बहुत सब जगह पे मिल जाएगा। मिल जाएगा होटल, ये दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बड़े बड़े सिटी है। बिल्कुल जी, वहाँ मिल जाएगा। मिल जाएगा। जब चूरू में आना हो तो यही खाना खाना, यही खाना खाना चाहिए जयपाल जी। बहुत दूर दूर से आते हैं जी। बिल्कुल जी। नजदीक मंदिर है सालासर बालाजी का। बिल्कुल। नजदीक खाटू श्याम जी का मंदिर है। खाटू श्याम जी का। आए यहाँ घूम के जाएं और साथ में देसी गायें भी देखें। बिल्कुल। और अच्छे खान पान रहन सहन का अनुभव भी लें। बिल्कुल जी। व्यूअर्स कैसी लगी आपको गाय जरूर से हमें बताएं, कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर से लिखें। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। बिल्कुल। राम राम जी भाई साहब। राम राम जी। जय गो माता। जय गोपाल जी।